Hello students, this is Radhika Sharma and now we will continue the part 5 of this chapter, The Sound of Music, and the extract name is The Shehnai of Bismillah Khan. So students, in the previous part we have read about Bismillah Khan, that how he introduced the Shehnai in front of us and how many awards he got, and also he got Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and also many awards. In 2001, Ustad Bismillah Khan was first awarded India's highest civilian award. 2001, in the year of 2001, Ustad Bismillah Khan won the highest civilian award. And what is the highest civilian award? We all know, the Bharat Ratna. It is the highest civilian award. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. So, जब अवार्ड वो उनके चेस्ट पर डेकोर किया गया तो वो जो उनकी आंखें एकदम चमक उठी थी, लाइक जब हम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हमारे खुशी के आंसू भी निकलने लगते हैं, तो इसी वजह से उनकी आंखों में भी वो चमक सी आ गई थी. विद द ग्लिंटिंग आईज, विद द ग्लिमरिंग आईज, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. उन्होंने यही कहा सबसे कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. This is how Hindustan's richest tradition, क्योंकि यही हिंदुस्तान का richest tradition है. And obviously आप starting से देखेंगे from the previous राजा महाराजा मुगल्स and all, जिनको भी आप देखेंगे ना, they all like music very much. ठीक है, academics में होना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा academics में involve होना अच्छी बात है, but also हमको इन सारे activities में भी involve होना चाहिए, because ये हमारे India का, हमारे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा tradition है. Even the West is now coming to learn our music. यहाँ तक कि जो West है, मतलब कि जो जो वेस्टर्नर्स है, ब्रिटेन से जो बिलोंग करते हैं, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग इन आर इंडिया एंड दे आर लर्निंग आर म्यूजिक, दे आर लर्निंग आर क्लासिकल म्यूजिक. आज के टाइम पे आप लोगों को रॉक म्यूजिक के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, बट क्लासिकल म्यूजिक इज द वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड. सो In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrau, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बाद भी जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान है, ही जस्ट वेरी फॉन्ड ऑफ, बहुत ही ज़्यादा शौकीन है वो अपने बनारस के और दुमराव के, जो कि बिहार से बिलोंग करता है. तो वो बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाए, बट ही मिसेज, वो हमेशा अपने इंडिया को मिस करते थे, हमेशा अपने गांव को, दुमराव को मिस करते थे, हमेशा बनारस को मिस करते थे, एंड द होली गंगा ऑल्सो. सो वो इसको वर्ल्ड के टॉप वंडरफुल टाउन्स में से एक कहते हैं. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शेनाई स्कूल इन द यूएसए. सो एक बार क्या हुआ, जब वो ट्रैवलिंग के लिए अब्रॉड गए थे, जब वो शेनाई के लिए अब्रॉड गए थे, तो अमेरिका में उनका एक स्टूडेंट था, अमेरिकन स्टूडेंट ही था, ही जस्ट सेड टू हिम कि आप स्कूल यूएसए में क्यों नहीं खोल लेते हो. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उस student ने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान से ये promise किया था कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं, मतलब स्कूल खोलने की यहाँ पे सोच लेते हैं, तो मैं बिल्कुल ही जैसा आपके इंडिया में temples वगैरह हैं, वैसा ही same atmosphere यहाँ पर भी create कर दूँगा. But Khan Saab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने कहा उससे, जो अमेरिकन स्टूडेंट था उससे कहा कि क्या तुम रिवर गंगा को भी यहाँ पर ले आओगे, गंगा नदी को भी तुम यहाँ पर लेकर आ जाओगे. But it is not possible ना. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. तो इसी वजह से इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब कभी भी मैं अब्रॉड में होता हूँ, तो मैं हमेशा हिंदुस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ. एंड वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ, तो मैं डुमराव में जो यूनिक मट्ठा मिलता है उसके बारे में सोचता हूँ. So,
So Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. Agar hum Ustad Bismillah Khan ki life ko explore karenge, then we will find that his life is totally full of cultural. All right. So unki jo life hai, puri tarah se cultural life rahi hai. He loves classical music. All right. He loved classical music. He loved like. He doesn't want to see his glamour, he doesn't want to boast himself. वो कभी glamour world में नहीं जाना चाहते थे, artificial world में नहीं जाना चाहते थे. He loved his Hindustan, he loved his Banaras and Dumrao, the famous Mattha of Dumrao also. So, उनकी अगर हम life देखें तो पूरी की पूरी जो उनकी life है बहुत ही ज़्यादा cultural and rich heritage से fulfill है. One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can never naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. And कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है, ये बिलीव नहीं कर सकता कि एक मुस्लिम जो कि कम्प्लीटली जो एक कम्प्लीट मुस्लिम जो कि डिवोट मुस्लिम जो कि कम्प्लीट मुस्लिम है एंड ही जस्ट वेंट एवरी डे ही जस्ट गो एवरी डे टू द टेम्पल ऑफ काशी विश्वनाथ एंड प्ले द शहनाई. मतलब कोई भी उनको देख करके ये बिलीव नहीं कर सकता कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हुआ लड़का वो काशी विश्वनाथ के टेम्पल में जा रहा है, बनारस का जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है वहाँ पे जा रहा है और वो शहनाई प्ले कर रहा है. नो वन कैन बिलीव बट इट इज़ ट्रू. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस. एक बहुत ही लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त 2006 में एट द एज ऑफ 90 ही पास्ड अवे. ही वॉज गिवन अ स्टेट फंडल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. सो एक वहाँ पे जिस दिन उनकी डेथ हुई थी 21 अगस्त 2006 को, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक स्टेट फंडल डिक्लेयर कर दिया था और इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग. मतलब कि एक दिन के लिए वहाँ पे सब कुछ एकदम बंद कर दिया था, एकदम मौन कर दिया था वहाँ पे. बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इन दिस स्टोरी, इन दिस एक्सट्रैक्ट वी हैव लर्न दैट हाउ शहनाई बिकम रिक्रिएट, हाउ शहनाई वॉज रिक्रिएटेड एंड हाउ द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान टेक इट इन टू अ क्लासिकल स्टेज. सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सट्रैक्ट. थैंक यू.